हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड जो है वो कितने दिनों के भीतर आपका अपडेट हो जाता है। चाहे फिर दोस्तों आपने आधार कार्ड में किसी भी चीज़ को अपडेट करवाया है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, बायोमेट्रिक अपडेट जिसमें फ़ोटो, आईडीज, फिंगरप्रिंट, डेमोग्राफिक अपडेट जिसमें आपका मुख्य रूप से विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, स्टेट, किसी भी चीज़ को आपने अपडेट करवाया दोस्तों, तो मैक्सिमम आपका कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है, इसका मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के रखा हुआ है, जहां से जो आधार अपडेट का सेक्शन है इसे मैंने ओपन किया है। और इसी अपडेट सेक्शन के अंदर दोस्तों आपको जानकारी दिया गया है कि आपका आधार कार्ड कितने दिनों के भीतर अपडेट कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे कह रहा है कि योर रिक्वेस्ट विल बी वेरीफाइड बाय आवर इंटरनल क्वालिटी चेक ऑपरेटर्स, यानी कि जो आपका आवेदन है वो आधार कार्ड के आंतरिक रूप से जो मूल्यांकन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उनके द्वारा चेक किया जाता है। एट दिस स्टेज प्रोवाइडेड डेमोग्राफिक डेटा विल बी चेक्ड अगेंस्ट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड या नगर परिषद या मुखिया द्वारा जारी किया गया लेटर पैड, तो उनमें जो डेटा होता है ना दोस्तों, उसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डेटा। वो डेटा को मैनुअली वहाँ पे चेक किया जाता है आधार कार्ड के आंतरिक ऑपरेटर्स के द्वारा। आगे देखिए कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ मिसमैच, अगर किसी प्रकार का मिसमैच पाया जाता है, योर रिक्वेस्ट इज़ लाइकली टू बी रिजेक्टेड, यानी कि आपका जो आवेदन है वो उसे निरस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर मिसमैच होता है तो ऐसी स्थिति में आपका जो आवेदन है उसे निरस्त किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द क्वालिटी चेक प्रोसेस यू विल रिसीव एन एसएमएस नोटिफाइंग कंटेनिंग द एनरोलमेंट आईडी एंड एन आउटकम। यदि आपका आवेदन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक एसएमएस आता है और उसमें आपका एनरोलमेंट आईडी मेंशन होता है, ठीक है। अब उस इनरोलमेंट आईडी की सहायता से आप लोग अपना अपडेट स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि नॉर्मली, यहाँ पे देखिए, नॉर्मली सामान्यता अपडेट रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड विद इन 30 डेज विथ 90% सर्विस स्टैंडर्ड्स। कह रहा है कि सामान्यता जो है वो 30 दिनों के भीतर आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाता है। जिस दिन आप इनरोलमेंट करवाते हैं उसके 30 दिनों के भीतर भीतर आधार कार्ड को अपडेट कर दिया जाता है। हाउएवर, हालांकि वी आर इम्प्रूविंग आवर सिस्टम, हमारे द्वारा हमारे सिस्टम में सुधार लाया जा रहा है, एंड इन मोस्ट लाइकलीहुड, ताकि जल्द से जल्द जो है वो आधार कार्ड को अपडेट किया जा सके, योर रिक्वेस्ट वुड बी अपडेटेड अर्लियर टू द मेंशन टाइम। और आपका जो आवेदन है अपडेट करने का उसे जल्द से जल्द किया जाए, इसके लिए आधार कार्ड के जो सर्विसेज हैं उसमें सुधार लाया जा रहा है। यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग बाई विजिटिंग माई आधार डॉट यू आई डी आई डॉट जी ओ वी डॉट इन। मतलब आप लोग अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं इस साइट पे जा करके। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानकारी मिल गया कि सामान्यता जो है वो 30 दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है, चाहे फिर आप किसी भी चीज़ को अपडेट करवाते हैं। हालांकि आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। यदि दोस्तों आपको स्टेटस चेक करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सरकार तक आधार अपडेट स्टेटस, ठीक है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कैसे चेक करना है। अब देखिए दोस्तों, अब यदि अपना आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर को छोड़ करके किसी भी चीज़ को आप अपडेट करवाते हैं, चाहे फिर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, स्टेट, फोटो, आईडीज, फिंगरप्रिंट, किसी भी चीज़ को अपडेट करवाते हैं दोस्तों, तो वो आपका बाय पोस्ट डाकिया के माध्यम से भेजा जाता है। वहीं केवल मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं तो वो बाय पोस्ट डाकिया के माध्यम से नहीं भेजा जाता है, ठीक है। तो देखिए, डाकिया के माध्यम से आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज, ठीक, 90 दिनों के भीतर भीतर आपका डाकिया के माध्यम से आपके घर तक जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है। नया आधार कार्ड आपका जो अपडेट होकर के बना हुआ है उसे 90 दिनों के भीतर ये डिलीवर कर दिया जाता है। वहीं दोस्तों 30 दिनों के भीतर
ज़्यादा चांसेस है कि अपडेट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जानकारी से आपके कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।